धमतरी जिले के कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया कि निशीत पटेल निवासी बस्तर रोड धमतरी ने 8 जनवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 अप्रैल 2023 को सिल्वे लाइन पावर स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड ई व्हीकल्स निर्माता कंपनी जिला सोनीपत हरियाणा के डायरेक्टर सत्यानंद पाणिग्रही, सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका और मैनेजर शुभम शर्मा के द्वारा धमतरी में ई व्हीकल का डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने का प्रलोभन देकर 36,01,000 रुपये की धोखाधड़ी होने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। दिनांक 14/4/2023 को प्रार्थी नितेश पटेल को सिल्वे लाइन पावर स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड ई व्हीकल निर्माता कंपनी सोनीपत के डायरेक्टर सत्यानंद पाणिग्रही, मैनेजर शुभम शर्मा तथा सह डायरेक्टर रजनीकांत लंका के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम से प्रलोभन देकर ई व्हीकल के नाम से लगभग 36,01,000 रुपये का धोखाधड़ी किया था, जो प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 420 406 34 IPC के तहत FIR दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपीगण सत्यानंद पाणिग्रही और शुभम शर्मा छपरा विहार के जेल में इसी धोखाधड़ी के मामले में बंद है, जो माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर उक्त आरोपी को आज लाया गया। माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी के पश्चात इनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के निरोगी एवं सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के तेली बांधा तालाब में राजधानी वासियों के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दौड़ लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी हम सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। बस्तर IG सुंदर राज पी के नेतृत्व में इन इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। आज अभियान के दौरान सुकमा जिले के जगरगुंडा और भेजी क्षेत्र से संयुक्त पार्टी सर्च अभियान पर निकली हुई थी, तभी भेजी इलाके से 5 नक्सली सुरक्षा बलों के जवानों को देखकर भागने लगे, जिन्हें पकड़कर पूछताछ करने पर नक्सली संगठन में शामिल होना बताया गया। वहीं सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों को देखकर 14 नक्सली भाग रहे थे, तभी नक्सलियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे नक्सली संगठन में कई सालों से काम करके कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। 19 नक्सली जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से 3 नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। सभी नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। सुकमा जिले में थाना भेजी और जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था, और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली है जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनके पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड पर जेल भेजा। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में आतंक मचाने वाला एक खूंखार तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के जाल में फंस ही गया। विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत अरसी कन्हार के जंगल में पिंजरा लगाया गया था। पिंजरे में तेंदुआ फंसने की सूचना मिलने पर वन अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने आसपास के गाँवों में आतंक मचा दिया था। आए दिन गाँव में घुसकर पालतू मवेशियों को मारकर खा जाता था, जिससे इलाके के ग्रामीण काफ़ी परेशान और दहशत में थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग से की, जिस पर वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने जंगल में पिंजरा लगाया था और तेंदुए को लालच देने के लिए एक बकरी को रखा गया था। वहीं शिकार करने तेंदुआ जैसे ही पिंजरे में घुसा, तभी पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर कोनी में सिम्स के नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया।